तो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली एक और सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज का एक हिस्सा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है बेसिकली डिजाइन किया गया है ताकि आप इसके अंदर जो बात आप वर्बली मतलब जबानी कह रहे होते हैं उस बात को आप टेक्स्ट लिखकर, तस्वीरें उस पर लगाकर, कोई स्लाइड्स के जरिए, कुछ कलर इफेक्ट के जरिए, कुछ एनिमेशंस के जरिए लोगों को दिखा सकें और उसको बेहतर तरीके से समझा सकें। मतलब अगर हमें किसी बात को किसी को बताना है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं और उसमें हम कोई बात बताना चाह रहे हैं, कोई मसला समझाना चाह रहे हैं या किसी मसले के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो एक तो ये कि हम माइक पर खड़े होकर डायरेक्टली वो बता दें, लेकिन उससे आसान और अच्छा बेहतर तरीका ये रहेगा कि हम उस सारी बातें जो पॉइंट हम उसमें कहेंगे, जो जो बातें हम बताने वाले हैं, उसको हम इसी जगह पर लिख कर और स्टेप बाय स्टेप टॉपिक चलाते रहें एक के बाद एक, और फिर उसके ऊपर हम उनको समझाते रहें जिससे उनकी तवज्जो भी बनी रहेगी और आप भी टॉपिक के पॉइंट पर रहेंगे। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन, इस तरह के काम ये करने को कहते हैं प्रेजेंटेशन देना। प्रेजेंटेशन देने से क्या मतलब है, किसी भी बात को, किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को, प्रॉब्लम को, किसी मसले के सल्यूशन को या कोई नई रेजोल्यूशन को जब आप लोगों के ग्रुप्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसको प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंट उनके सामने पेश करते हैं। इस अमल को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। अब दौरे पुराने दौर में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डिफरेंट तरीके होते थे। लोग चार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, फ्लिप चार्ट्स जो आते थे, गत्ते के चार्ट्स, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के दौर में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और पावर पॉइंट ये उस प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट सिर्फ हमें प्रेजेंटेशन बनाने की ही सहूलत नहीं देता बल्कि इससे ज्यादा कुछ और भी करने की सहूलत देता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पावर पॉइंट हम अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कैसे करेंगे। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए आपको पहले स्टार्ट में जाना है, प्रोग्राम्स में जाना है और उसके बाद जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपके इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में, और फिर आपने इस आइकन पे क्लिक करना है जिस पर पी बना हुआ है ऑरेंज कलर का और लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। तो पावर पॉइंट बेसिकली सॉफ्टवेयर का नाम है, 2010 इसके वर्जन का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट इसकी कंपनी का नाम है और ऑफिस इसके पैकेज का नाम है। तो हम यहां लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 और यहां लिख देता हूं मैं इंट्रोडक्शन। देखिए अब मैं जब आपको बात समझा रहा हूं तो आपका तवज्जो का मरकज बिल्कुल सामने रहेगा क्योंकि मैंने लिख रखा है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो एक अभी मैं आपको जो वर्बली बता रहा था उसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कुछ बात तो मेरी समझ में आ रही है लेकिन सामने कोई चीज नहीं थी, लेकिन आप उसके आगे जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं यहां पे मौजूद है, आपको नजर आ रहा है। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये है एक स्लाइड। पुराने दौर में जैसे मैंने कहा कि लोग कार्ड्स पर बनाते थे, चार्ट्स पर बनाते थे, तो उसको कंप्यूटराइज कर दिया तो उसको नाम क्या दे दिया गया, स्लाइड। अब उस पर क्या करते थे, उस पर लिखते थे, तो लिखने उस पर कैरेक्टर्स और इसमें हम कहेंगे इनको टेक्स्ट, फिर उसके कलर्स, तो आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ कलर डिफरेंट आ रहा है, फिर उसका फॉन्ट साइज भी आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। मतलब यूं समझे कि उस काम को आसान बना के डिजिटल कर दिया गया। मतलब अब अगर आप किसी प्रोडक्ट, सर्विस या किसी मसले या सोल्यूशन या कोई टीचर कोई लेक्चर देना चाह रहा है और वो उस चीज को बेहतरीन तरीके से करना चाह रहा है तो वो प्रेजेंटेशंस बना के उस चीज को आगे डिलीवर कर सकता है। अब हम एक एक चार्ट पर तो मैंने ये लिख दिया, एक स्लाइड पर तो मैंने लिख दिया, मुझे एक और स्लाइड चाहिए, तो बहुत आसान है कि यहां से न्यू स्लाइड करके मैं ले सकता हूं। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको 9 डिफरेंट किस्म के लेआउट्स नजर आएंगे। लेआउट्स, लेआउट क्या होता है, बनावट। ये 9 लेआउट्स मतलब 9 डिफरेंट स्लाइड्स हैं और आपको 9 डिफरेंट टास्क पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको इंट्रोडक्शन बताना था तो आपने ये इस्तेमाल कर लिया। अब आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, आगे मिसाल के तौर पे आप कहना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला स्लाइड यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहां पर आ जाएंगे तो लिखा है क्लिक हियर टू ऐड टाइटल, तो हम यहां कह रहे हैं इसका नाम है, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन को। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, मैंने आपको भी बताया प्रेजेंटेशन किसी भी बात को प्रेजेंट करना।
अब चाहे आप वो स्लाइड्स के ऊपर करें, चार्ट्स के ऊपर करें, या वर्बली आप कहें, आप लोगों के सामने पेश करते हैं उस बात को, इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को डिजिटल तरीके से पेश करने का जो तरीका है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कि आप मिसाल के तौर पे अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, प्रेजेंटेशन, तो मैंने टॉपिक का टाइटल पे क्या लिख दिया, प्रेजेंटेशन। बट अगर आप देखेंगे नीचे कुछ लिखने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टेक्स्ट बॉक्स था जहां मैं लिख सकता था, इसे हम कहेंगे टेक्स्ट बॉक्स, और मैं यही लिख सकता था। लेकिन मुझे नीचे भी कुछ इसके बारे में लिखना है, तो वहां कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास लिखने के लिए। तो मेरे पास होम टैब में आपको यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, कहां मिलेगा, इंसर्ट, और इंसर्ट के टैब में आए और हमने कहा टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने इस मसले को यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, प्रेजेंटेशन इज द वे टू एक्सप्रेस और डिलीवर योर आइडियाज बिफोर ऑडियंस। अब ऑडियंस किसे कहते हैं, जो सामाईन है, सुनने वाले हैं, और आइडिया मतलब आपके जो दिल में ख्याल है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको बयान, एक्सप्रेस माने बयान करना, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। लेकिन डिजिटल दौर में प्रेजेंटेशन इससे कई आगे की चीज है। आप जब पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो खाली टेक्स्ट नहीं होंगे, उसमें आप पिक्चर्स का भी सहारा ले सकते हैं, उसमें आप एनिमेशंस का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं जो पावर पॉइंट के ऊपर ही क्रिएट हुई है, मैंने यहां खोल रखी है वो प्रेजेंटेशन, ये देखिए, और ये आप देखेंगे प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत नजर आ रही है आपको। और ये देखिए क्या लिखा हुआ, इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2010 अ टूर ऑफ न्यू फीचर। एक स्लाइड पे ये, इसकी दूसरी स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे, एनहांसिंग योर प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें आथर योर प्रेजेंटेशन, इनरिच योर प्रेजेंटेशन, डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, मतलब आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं और लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ये जो व्यू हम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं या प्रेजेंटेशन को रन करते हैं तो उसके लिए हम करते हैं स्लाइड शो। जैसे आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो भी फीचर आपने देखा ये ऊपर आया, इसे हम कहते हैं एनिमेशंस, इन्हें हम कहते हैं शेप्स, इसे हम कहते हैं पिक्चर, कलर्स, टेक्स्ट, स्लाइड। और अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड ट्रांजिशन, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आई, इसे हम कहेंगे स्लाइड ट्रांजिशंस। और ये देखिए ये स्लाइड ट्रांजिशन के इफेक्ट्स हैं, ये यहां से इन्हें एनिमेशंस कहेंगे। तो अगर आप किसी टॉपिक को इस तरह डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप टॉपिक तो सामने नजर आ रहा है और ये कलरफुल पिक्चर्स वगैरह और ये आ रहा है, तो ये मजीद इनहांस और जदीद तरीका हो जाएगा समझाने का, लोगों से शेयर करने का, ताकि लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। और ये देखिए देखिए कितने जबरदस्त पिक्चर्स के साथ, आइडियाज के साथ आपको चीजें समझाई गई हैं इसके अंदर। ये देखिए ट्रांजेक्शंस कर रही हैं, ये देखिए इफेक्ट्स देखिए मजीद, इसके अंदर आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके अंदर ये देखिए एनिमेशन इफेक्ट देखिए, कलर्स कलर चेंजिंग देखिए, ये एनिमेशन इफेक्ट देखिए, मोशंस गाइड भी दे सकते हैं आप चीजों को मूव कराना, ये देखिए वीडियोस भी ऐड करा सकते हैं आप इसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशंस पे, किसी मसले को वीडियो में दिखाना कलर्स चेंज करके। तो इस तरह से आप बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं पावर पॉइंट में। लेकिन आजकल पावर पॉइंट सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नहीं बल्कि इससे भी कहीं आगे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप प्रेजेंटेशन के साथ साथ इसमें छोटे छोटे वीडियो पैकेजेस बना सकते हैं पिक्चर्स के साथ, बैकग्राउंड में म्यूजिक रन कर सकते हैं, इसके अलावा बैकग्राउंड में म्यूजिक रन कर सकते हैं, इसके अलावा इनकी वीडियो फाइल्स बना के मोबाइल और फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट में उर्दू भी लिख सकते हैं, सिंधी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं और बेहतरीन जबानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट में जो चाहे कर सकते हैं, मतलब एनिमेशन हो गई, चीजों को मूव करना, कलर चेंज करना, शेड देना, और इसके अलावा वीडियोस क्रिएट की जा सकती हैं, प्रेजेंटेशंस बनाई जा सकती हैं और अपने काम के लिए आगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है पावर पॉइंट 2010। अब इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जब आप स्लाइड शो में भी मौजूद हूं, मैं इसे बाहर आ रहा हूं, तो मैं राइट बटन दबा के इसको एंड शो कर रहा हूं। जब आप पावर पॉइंट को लोड करेंगे तो बेसिकली आपके सामने एक विंडो आएगी जिसे हम कहते हैं टाइटल बार, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशंस,
एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एक्रोबैट, ये नहीं होते इसके अंदर। हाँ, फॉर्मेट का टैब होता है। अच्छा, फाइल मेन्यू है इसके अंदर, क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें अंडू, रीडू, सेव के बटन है। इसके अलावा आप यहां से फाइल के मेन्यू में आके सेव कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को किसी और नाम से सेव कर सकते हैं, किसी बनी हुई प्रेजेंटेशन को ओपन करके भी देख सकते हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, और मुख्तलिफ प्रिंट्स देना या न्यू प्रेजेंटेशन के लेने के काम भी यहां से किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये इसका पूरा ऑफिस रिबन है, और इसके अंदर है ये स्लाइड पेन। स्लाइड पेन क्लोज कर देंगे तो यहां पर आपको लाना पड़ेगा अपना एरो और रीसाइज करके इसको वापस यहां पर सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको स्लाइड के थंबनेल व्यू नजर आ रहे हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के छोटे छोटे से आइकॉनिक व्यू। यहां क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको उस पर क्या लिखा हुआ है स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट नजर आएंगे, और यहां क्लिक करेंगे तो पूरी स्लाइड और उसके अंदर जो मौजूद है वो सारी चीजें छोटे छोटे से व्यू नजर आएंगे। यहां उस स्लाइड का पूरा स्लाइड व्यू नजर आएगा आपको, ठीक है। ये टास्क यानी कि ये इसका स्लाइड पेन था, ये स्लाइड व्यू आ गया आपका, ये नॉर्मल व्यू है। यहां से आप जा सकते हैं स्लाइड शो की तरफ और राइट बटन दबा के एंड शो करके दोबारा नॉर्मल व्यू में आ सकते हैं। स्लाइड शो, फुल स्क्रीन व्यू हो गया, राइट बटन, एंड शो, और यही काम F5 शॉर्टकट की से स्लाइड शो पर गया और एस्केप कैंसिल करके वापस बाहर आ गया। स्लाइड व्यू में अपना जूम लेवल आप जितना सेट कर ले, लेकिन बेहतर रहेगा कि इतना रखें कि आपकी स्क्रीन पे पूरा नजर आ जाए, ठीक है। वर्टिकल स्क्रोल बार और मुख्तलिफ चीजें यहां पर मौजूद है। पावर पॉइंट में फाइल आप किस तरह सेव करेंगे, जैसे वर्ड में करते थे फाइल देन सेव, और यहां से भी कर सकता हूं। सेव करने के बाद कहां सेव करना है, लेट सपोज मैं अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूं और उसका मैं नाम रख रहा हूं इंट्रो पावर पॉइंट। इसकी टाइप जो होती है पावर पॉइंट में फाइल की वो है PPTX। पावर पॉइंट की जो फाइल की टाइप है वो होती है PPTX। 2010 में PPTX है जबकि ओल्ड वर्जन में PPT है, और स्टैंडर्ड में भी PPT काउंट होती है जबकि वर्ड की DOC और एक्सेल की XLS वगैरह टाइप होती है जिससे ही फाइल की। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा मेरी फाइल सेव हो गई, देन अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये कहां सेव की थी, डॉक्यूमेंट्स में। इसका आइकन किस तरह का होगा ये देखिए, पावर पॉइंट की फाइल का आइकन कुछ इस तरह का होता है, आई थिंक कहीं और सेव कर दी मैंने उसको, कोई बात नहीं। फाइल में गए और यहां से मैंने अपने पावर पॉइंट को लोड किया दोबारा से, और लोड करने के बाद जो फाइल अभी मैंने लोड की थी वो मुझे नजर आएगी रीसेंट फाइल के अंदर इंट्रो पावर पॉइंट, और मैं यहीं से शॉर्टकट से इसको लोड कर सकता हूं। फाइल को ओपन करके किसी और प्रेजेंटेशन को खोल सकता हूं जो अगर मेरे कंप्यूटर पर ही नहीं। ये देखें इसका आइकन कुछ इस तरह का है, इसको लार्ज करके देख लें, ये पावर पॉइंट की फाइल का आइकन है जो कि पावर पॉइंट में खुलेगी। तो इस तरह आप पावर पॉइंट में मुख्तलिफ टास्क कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ के पढ़ेंगे कोर्स के अंदर, किस तरह से हम इसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाएंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई ना कोई टॉपिक का होना लाजमी है, और उस टॉपिक पे ही प्रेजेंटेशन बन सकती है, ठीक है।